बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, पुष्पा के गाने बहुत ज्यादा गैर मामूली लेवल पे पॉपुलर हो चुके हैं। इस लेवल पे सिवल्ली हिट होगा तो मुझे ये ऊपर वाला का क्रम है, लोगों की मोहब्बत है, मैं यही कहूंगा। ओवर सिंप्लीफिकेशन जो किया जा रहा है बहुत हद तक, उसके बारे में आप अपने कुछ तासुरात बताएं। गुलजार साहब ने लिखा था छैया छैया गाने, उसमें यार मिसाले ओस चले, पाओ के तले फिरदौस चले, कभी दाल डाल कभी पाक, जो भी है। मेरा यही मानना है कि वर्ड जो भी हम सेलेक्ट करें वो म्यूजिकल होनी चाहिए। आपने अलू के लिए, आपने पहले भी उनकी फिल्मों में आपने अपने लिरिक्स आपने लिखे हैं? नहीं, ये अल्लू जी के लिए, ये मेरे लिए पहली फिल्म है। शायरों में कौन पसंद है आप? शायर में शकील साहब हैं, गालिब साहब हैं, मीर तकी मीर हैं, साहिर साहब और मजरूर साहब को मैं बहुत, उनके गानों को बहुत ध्यान से सुनता हूँ। रफी भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। पुष्पा के गाने बहुत ज्यादा गैर मामूली लेवल पे पॉपुलर हो चुके हैं, और एक गाना जो कि आई थिंक जिसकी बेतहाशा के हिसाब से रील्स बन रही हैं, वो है शिवल्ली। जी जी। और ये गाना इस वजह से भी और सिग्निफिकेंट हो जाता है कि हम कोविड के दौर में हैं, और पिछले 2 साल से चुनिंदा फिल्में जो हैं वो आई हैं थिएटर के अंदर, और गाने इस लेवल पे पॉपुलर नहीं हुए हैं, हिंदी फिल्मी गाने या फिर किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन दीज सॉन्ग्स आर एन एक्सेप्शन, एंड स्पेशली शिवल्ली की अगर बात करें जी, तो ये गैर मामूली पॉपुलैरिटी ये अपना चुका है। बच्चे बच्चे हर तरीके के लोगों की जुबान पे गाना चढ़ चुका है। कैसे देखते हैं आप इस कामयाबी को? मैं स्टंट हूँ ये देख करके कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा, क्योंकि जब हम लोग ये जब प्रोजेक्ट शुरू किया ये, तो हमें ये तो पता था कि अल्लू सब जो है गांव गांव नॉर्थ में गांव गांव तक है उनकी पॉपुलरिटी। जब मैं पहला गाना जागो जागो बकरे मैंने लिखा, उसके बाद मैं एक भ्रमण के लिए मैं एक आउटिंग बिहार यूपी की तरफ गया, तो ऐसे ऐसे गांव जहां से सड़क जहां से 20-15 किलोमीटर दूर है, जिसको एकदम खेत गांव बोलते हैं, वहां के बच्चे आके बोले सर आपने अल्लू सर के फिल्म के लिए गाना लिखा। बोला हाँ, लेकिन तुम कैसे जानते हो? अरे सर हम उसके फैन हैं। तो मेरी भतीजी, जो अपनी भतीजी है, उन्होंने फोन करके बोला अंकल आपने अल्लू जी का गाना लिखा क्या? बोले हाँ वो इस फिल्म के लिए लिखा। मुझे भी पता नहीं था कि इतने पॉपुलर है। तो मेरे भतीजे बोले कि मैं उनके बहुत बड़ी फैन हूँ, आप उनके साथ फोटो क्यों नहीं लिए? मैं मुझे उनको अपने डीपी में डालना था। तब मुझे लगा कि ये फिल्म कुछ अलग करने वाला है, लेकिन इस लेवल पे सिवल्ली हिट होगा तो मुझे ये ऊपर वाला का क्रम है, लोगों की मोहब्बत है, मैं यही कहूंगा। अगर आप हमें कुछ बताना चाहें तो इसकी इसकी जो हिंदी की जो लिरिक्स हैं, हिंदुस्तानी की जो लिरिक्स हैं, वो आपने लिखी हैं? जी, पहला मैंने तो जागो जागो बकरे लिखा, दूसरा गाना मुझे ये आया लिखने के लिए, तो डीएसपी साहब ने कहा कि भैया आपको पूरा फ्रीडम है, आप इसमें आप बेहतर जितना कर सकते हो आप लिखो, क्योंकि इसमें लिप नहीं था। तो आमतौर से क्या होता है कि जब हम लिप में फंस जाते हैं, अच्छे अच्छे थॉट भी आते हैं ना, तो वो लिप में वो बैठता नहीं है, तो मजबूरन फिर हमको चेंज करना पड़ता है इधर उधर। तो लिप एक प्रॉब्लम है, मतलब डबिंग फिल्मों के गाने के लिए, तो इसमें लिप नहीं था, तो मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। दूसरी बात यह थी कि इसकी पहली जो लाइन थी वो तेलुगु में जो था वो इस तरह था कि तुम्हारी एक लुक या तुम्हारी एक झलक जो है सोने के जैसा है, 24 कैरेट गोल्ड के जैसा है, तो अब मैं इसको हिंदी में क्या करूं, तुम्हारा चेहरा या तुम्हारी झलक सुनहरा है या सोने के जैसा है। तो बहुत मैं स्ट्रगल करने के बाद मुझे अशरफी का यह ख्याल आया, तो मैंने उसमें अशरफी डाला। बहुत यूनिक, आई थिंक बहुत यूनिक आइडिया है। और मैं आप एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, आपने ये भी कहा है कि जो ओवर सिंप्लीफिकेशन जो किया जाता है जुबान का, वो बेसिकली डंपिंग डाउन द ऑडियंस इज समथिंग, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, और विच इज कमेंडेबल, बिकॉज आई थिंक अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक म्यूजिक कंपोजर से मेरी बात हो रही थी, और मैंने उनसे यही कहा कि ओवर सिंप्लीफाई क्यों करना है, अगर कोई वर्ड के फोनेटिक्स अच्छे हैं
तो लोग उसका मायने तलाश कर सकते हैं आज के टाइम पे गूगल में हर तरीके के जी, आपको जी, जी, मीनिंग आप तलाश कर सकते हैं। लेकिन जो एक फोनेटिक्स होते हैं सर्टेन वर्ड्स के जो कॉन्टेटिव मीनिंग होते हैं वो आप उसको आप एक अलग लेवल पे वो गाना जा सकता है, उसकी लॉन्जिविटी बढ़ सकती है। जी, जी, जी। तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन जो किया जा रहा है बहुत हद तक, उसके बारे में आप अपने कुछ तासुरात बताएं। ये ऐसा है कि कभी कभी लोग जैसे अभी ये जो गाना है श्रीवल्ली, अगर मैं और किसी और के लिए अगर लिखता तो हो सकता था बोलता अरे अशर्फी हटाओ यार, अशर्फी कौन जानता है, और ये गर्वीदा वगैरह ये अभी बहुत इतना गाढ़ा उर्दू कोई समझे मुझेगा नहीं, तो आप इसको जितना हो। लेकिन ऐसा नहीं है, हर लोगों के हाथ में मोबाइल है, गूगल है। अभी यार मैं अभी एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि अभी गुलजार साहब ने लिखा था छैया छैया गाना, उसमें यार मिसाले वो चले पाओ के तले फिरदौस चले कभी दाल डाल कभी पा जो भी है जो लिखा, तो सुनने में मुझे ये है कि म्यूजिकल होना चाहिए, तो इतना म्यूजिकल था वो यार मिसाले वो चले पाओ के तले फिर दोस्त चले। लेकिन क्या है कि अभी लोग कह अरे हटाओ यार फिर दोस्त कौन समझता है, लेकिन हर लोग हर किसी के हाथ में मोबाइल है, गूगल है, आप सर्च कर सकते हैं कि भाई इसकी मीनिंग क्या है। तो मतलब मेरा यही मानना है कि वर्ड जो भी हम सेलेक्ट करें वो म्यूजिकल होनी चाहिए। डेफिनेटली। और जैसे अगर हम बात करें 19वीं सदी की बात करें या फिर 20वीं सदी की भी अगर बात करें, बहुत हद तक 20वीं सदी में भी, तो जिस तरीके से स्पेशली उर्दू का या फिर हिंदुस्तानी का जो इवोल्यूशन हुआ है जी, जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े शायर पैदा हुए हैं और उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है जुबान को, तो आइडियली तो इस दौर में जबकि एक ये एक पढ़े लिखों की का दौर कहा जाता है जी, तो इसमें तो और इजाफा होना चाहिए। हाँ बेशक बेशक, बजाय इसके कि हम पीछे जाए। हाँ मैं उससे पीछे भागने का कोई मतलब ही नहीं है। अभी तो और बहुत सारे मीडिया है और मीडियम है आपको समझने के लिए कि आप अब इसके क्या मीनिंग है और इसका क्या मतलब होता है, और सब सिंप्लीफिकेशन अभी बहुत ज्यादा हो गया है, तो हम तो और आगे स्टडी करना चाहिए, इसमें और आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक दैट्स रियली कमेंडेबल। और आपने ये भी जिक्र किया है एक इंटरव्यू में कि एक सिंगर ने आपको 40 वर्ड्स दिए और कहा कि इसी के अराउंड जो है आप गाना लिखिए, जी। तो अभी उनके बारे में ये कह सकते हैं कि उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे कुछ वर्ड्स के लेकर, क्योंकि वो हिंदी उसको उतनी आती नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि मैं ये सारे वर्ड्स हैं इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, तो आप इसी के इर्द गिर्द आप लिखें, ये सारे वर्ड्स जो हैं जो मैं अच्छे से प्रोनाउंस कर सकता हूँ। आप कैसे देखते हैं सुरखी भाई कि हमने वो भी दौर देखा है हिंदी फिल्म म्यूजिक में जी, लता मंगेशकर और आशा भोसले महाराष्ट्रियंस हैं जी, लेकिन उर्दू की वो तालीम लेती हैं, उर्दू के उनका डिक्शन कोच उनके होते हैं जी, जी, और उनका जुबान के ऊपर उनका बिल्कुल जो बिल्कुल साफ है उनकी जुबान जी, जी, तो कहीं से भी जेर जबर का है किसी तरीके से कोई कोई तलफ्फुज में कहीं कहीं पर भी कोई आप कमी तलाश नहीं कर सकते किसी भी तरीके से जी, जी, जी। लेकिन बहुत बार जैसे आजकल हम अगर खुदा की बात करें तो खुदा हो जाता है जी, और खुदाई हो जाता है खुदाई की जगह पे, या फिर खुशी तो बहुत ही आम हो गया है, खुशी तो मैक्सिमम लोग कहते ही नहीं। हाँ। और जिस तरीके से आप इन सिंगर का बता रहे हैं कि वो उनकी अगर जुबान पे कुछ अगर तंगी थी तो मे बी उनको उस पर काम करना चाहिए था, जिस तरीके से सुरों पे काम होता है जी, तो जुबान पे भी काम जो है सिंगर के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है जी। डेफिनेटली मुझे याद है कि मैं एसपी साहब के साथ में काम, एक डीएसपी की पहली फिल्म, उस फिल्म का नाम ही देवी था, और मैंने लिरिक्स दिए एसपी साहब को, एसपीबी साहब को, और उन्होंने बजाबते मुझे बैठा के सारे तलफ़ुज़ सीखे, हक गम गुस्सा कयामत जो भी है वो उर्दू के सारे जो तलफ़ुज़ है उन्होंने मुझसे सीखे, और फिर तब मुझे बोले कि मुझे 10 मिनट मुझे रखी टाइम दो मैं इसको अच्छे से ये कर लेता हूँ, उसके बाद फिर उन्होंने गाया। तो इवन इवन एसपी साहब जो उनको साउथ के हैं और उनके तलफ़ुज़ अब देखिए तो शानदार तलफ़ुज़ है, चाहे वो गम हो चाहे वो कयामत हो,
चाहे वो जेर हो या जबर हो, जो भी हो, बेहतरीन है उनके। लेकिन आज आज बहुत सारे लोग आजकल हैं ऐसे हैं जिसके तलफ़ुज़ पे ध्यान नहीं देते कि हम क्या जो भी गा रहे हैं हिंदी गाने, तो उसमें उसके क्या ये होना चाहिए। और अगर हम पुष्पा के बाकी गानों के बारे में अगर बात करें, सामी सामी बहुत पॉपुलर हो चुका है। जी जी ओ अंटा वो तो आई थिंक तेलुगु में था, उसको फिर आप लोगों ने उसको हिंदुस्तानी में भी किया है, गैर मामूली पॉपुलैरिटी उसकी भी हो चुकी है। जी जी तो बाकी गानों के बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें और उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में। श्रीवल्ली के गाने के बाद मुझे सामी सामी के लिए आया, उन्होंने कहा कि एक सामी अभी सामी इस गाने को करना है, और लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। और कुछ उलझन थी तब इसके रिलीजिंग में, क्योंकि चार लैंग्वेज में सामी सामी गाने रिलीज हो चुके थे, हिंदी नहीं हुआ और रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई थी। के बहुत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये चारों लैंग्वेज के रिलीज होने के मेरे ख्याल से एक महीने के बाद फिर देवी साहब का फोन आया कि सर भैया अभी ये गाना करने का। तो हम लोग फिर जूम में लिरिक्स डिस्कस किए और उसके बाद सुनिधि जी ने उसको गाया। एंड दैट्स अ ह्यूज सक्सेस एज़ वेल। यस। आपने अलू के लिए आपने पहले भी उनकी फिल्मों में आपने आपने लिरिक्स आपने लिखे हैं? नहीं, ये अल्लू जी के लिए ये मेरे लिए पहली फिल्म है। आला वेकंतपुरम लू के भी आपने कुछ किया है उनके उनके साथ? पुष्पा के बाद, पुष्पा के बाद कंपनी ने मुझे अप्रोच किया कि आप इसके दो गाने, क्योंकि ऑलरेडी इसके तीन गाने या चार गाने थे वो लिखे जा चुके थे, तो मुझे कहा कि दो गाना बचा हुआ आप प्लीज इसको लिख दें, तो मैंने दो गाने उसके लिए किए। दो गाने आपने उसके लिखे हैं, ऑलराइट, ओके। एंड रखी भाई, अगर आप अपनी जर्नी के बारे में हमें बताएं कुछ, कैसी जर्नी रही है आपकी अब तक? मैं एक्चुअली चेन्नई आया था इंजीनियरिंग के घर से, और मैं वहां पे पढ़ाई कर रहा था इंजीनियरिंग के लिए, और तब मेरी मुलाकात हुई पी के मिश्रा जी से, जो रोजा के गाने वगैरह, जो रहमान साहब की पहली फिल्म थी रोजा, तो उनके गाने के लिए तो मैं उनको असिस्ट किया करता था। तब एक्चुअली मुझे बचपन से म्यूजिक पे बहुत ये था, लगाव था, तो मुझे म्यूजिक से कट करने के लिए मेरे फादर ने मुझे चेन्नई भेजा कि वहां जाके इंजीनियरिंग वगैरह करेगा, तो इसका लाइन कुछ दूसरा, क्योंकि मैं उधर जो म्यूजिक में रात दिन लगा रहता था जब मैं अपने क्षेत्र में था, तो मैं यहाँ भी आने के बाद मुझे पीके मिश्रा जी मिल गए और फिर मैं उनके साथ लग गया, उनके असिस्ट करने लगा। तो अभी मेरी पढ़ाई सेकेंडरी हो गई और म्यूजिक फिर से पहले प्राइमरी हो गया, और मैं मिश्रा जी को कहा कि मैं अब एक शर्त पे आपके आपको असिस्ट करूंगा कि आप मुझे रहमान साहब से मिलाइए। तो तब मैं एज ए सिंगर स्ट्रगल कर रहा था, या जो भी कहें, मेरी चाहत थी कि मैं सिंगर बनूं। तो मिश्रा जी ने कहा कि चलो ठीक है। तो एक दिन मुझे लेके गए रहमान साहब से, और रहमान साहब से मुझे मिलाया, और रहमान साहब ने मुझे एक गाना गाने के लिए दिया, उस फिल्म का नाम था मिस्टर रोमियो, प्रभु देवा की फिल्म थी, उसमें उनका डबल रोल था। तो एक गाना था जिसमें दो प्रभु देवा गाते हैं और शिल्पा शेट्टी जी उसमें है जो उसमें डांस कर रही है, तो एक प्रभु देवा जी के लिए सोनू निगम जी ने गाया और एक के लिए मैंने गाया, तो वो मेरा पहला ब्रेक एज ए सिंगर था। उसके बाद छोटे मोटे इधर मैं रमान सर के साथ गाता रहा, एक ताजमहल एक फिल्म आई थी तमिल में, उसमें एक आलाप किया था, और रमान साहब पहली बार एक दिन मुझे एक कॉल आया रमान साहब के ऑफिस से कि आप जरा ऑफिस पहुंचिए, रमान साहब को ढूंढ रहे हैं या उन्होंने आपको बुलाया। तो मैं गया तो रमान साहब बैठे थे, तो रमान साहब बोले रखी तुम लिरिक्स भी लिखते हो? मैं बोला कि कोशिश करता हूँ सर, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है। तो दीपा जी बैठी थी, दीपा मेहता, तो उन्होंने मुझसे इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि होली का गाना लिखोगे? मैं बोला कि मैं लिखता हूँ सर। तो मैं दीपा जी को रमान साहब ने कहा कि लेट हिम राइट, क्योंकि सुखिंदर जी गाने लिखने वाले थे, लेकिन सुखिंदर जी चेन्नई आने के बाद पता नहीं वो कहाँ चले गए या अपना मोबाइल वगैरह सब कुछ स्विच ऑफ कर दिया, तो वो रीचेबल नहीं थे।
और उनको कांटेक्ट किया जा रहा था लेकिन वो कांटेक्ट में नहीं आ रहे थे, तो मजबूरी में मुझे बुलाया रहमान साहब कि अभी सिकंदर जी का कुछ अच्छा पता नहीं है, कहाँ है नहीं है। तो रहमान साहब ने बोला कि ठीक है इसको आप जाके लिखो। तो वो जो ट्यून था वो लगभग 45 से 50 मिनट्स का था, और मैं पहले 5 बुखले लिखे उसके और मैंने दीपा जी को सुनाया फोन पे, तो उन्होंने एक बुखला सेलेक्ट किया और बाकी पूरे ट्यून का 32 पेजेस मैंने गाने उसके लिरिक्स लिखे, क्योंकि 45 मिनट का ट्यून था। मुझे पता नहीं था कि वो रहमान साहब कौन सा रखेंगे कौन सा नहीं रखेंगे, तो ये मेरा पहला ब्रेक था, तो मैं इसको जाने नहीं देना चाहता था। तो मैंने 32 पेजेस लिखे लिरिक्स, और दीपा जी ने फिर रहमान साहब को फोन करके कहा कि ही इज इन राइट ट्रैक तो लेट हिम राइट। तो मैं सारी रात में लिखा, ये वाटर के लिए था। ये वाटर के लिए, आज शाम रंग में रंगी उस गाने का नाम। नेक्स्ट डे 1 o'clock मीटिंग फिक्स हुई और रहमान साहब थे, मैं था और दीपा जी थी, और मैंने 32 के 32 पेज गा के सुनाया। रहमान साहब ने बोला के अब तुम ही गाओ। तो मैं और ऋचा शर्मा और सूर्य भट्टाचार्य हम तीनों मिलके इस गाने को गाए, तो ये यहाँ से मेरा लिरिक्स राइटिंग का जर्नी शुरू हुआ। लेकिन इस गाने के बाद फिर मेरा मेरी लाइफ में 5-6 साल का गैप हुआ, क्योंकि ये फिल्म फिर कुछ कंट्रोवर्सी में फंस गई थी, और उसके बाद 5 या 6 साल के बाद पता मेरे ख्याल से दीपा जी ने श्रीलंका में सेट लगाया और फिर वहां फिल्म की शूटिंग पूरी हुई और तब ये रिलीज हुआ। तब तक रहमान साहब को भी पता नहीं था कि मैंने क्या लिखा है, कितना सक्सेस है या कितना अच्छा लिखा है, उनको अपना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जब गाना रिलीज हुआ और उनका रिव्यू उन्होंने पढ़ा तो मुझे मेल किया उन्होंने और बोला कि तुम्हारे गाने का रिव्यू बहुत अच्छा है, और तब उनको कॉन्फिडेंस हुआ कि रकीब अच्छा लिख सकता है। फिर मैं शिवाजी के लिए लिखा, उसके बाद जिया से जिया उनका एक सॉन्ग था फ्री हट करके, नोकिया के लिए हम लोगों ने किया था वो लिखा। फिर ताज एंथम लिखा 7 वंडर्स के लिए, वोटिंग वोट फॉर ताज के लिए एक सॉन्ग किया किया था हम लोगों ने वो लिखा। ब्लू के टाइटल सॉन्ग लिखे और अदा एक फिल्म आई थी उसके 2 गाने लिखे। इस तरह से फिर हमारे हमारा ये जो लिरिक्स राइटिंग का जर्नी शुरू हुआ। That's amazing. अब तक कितने फिल्मों में आप लिख चुके हैं? मैंने काउंट नहीं किया है लेकिन अभी 25 से ऊपर ही होंगे। ओके, और अगर हम शिवल्ली को हटा दें तो अब तक आपका आपको कौन से गाना ऐसा लगता है कि जो कि आपने अगर मामूली लिखा है? एक तो मैंने लिखा था डोंगरी का राजा, एक फिल्म है आई थी उसमें असद खान का म्यूजिक है जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उसमें अरीज सिंह जी ने और चिन्मयी ने गाया था पिया तू पिया, वो मुझे वो गाना मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रहमान साहब का एक गाना है जिया से जिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लिरिसिस्ट में आपके आपके कौन ऐसे लिरिसिस्ट हैं जिनको आप फॉलो करते हैं? वैसे तो देखा जाए तो मैं सबको सबको अपना सीनियर और अपना गुरु ही मानता हूँ, और लेकिन मुझे सबसे अच्छे जो लगते हैं मुझे बहुत पसंद है वो है गुलजार साहब और अमिताभ भट्टाचार्य जी, क्योंकि इनके लिरिक्स बहुत म्यूजिकल होते हैं। शायरों में कौन पसंद है आपको? शायर में शकील साहब हैं, गालिब साहब हैं, मीर तकी मीर हैं, साहिर साहब और मजरू साहब को मैं बहुत उनके गानों को बहुत ध्यान से सुनता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको फॉलो कर सकूँ। So, रखी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन शिवली के लिए और पुष्पा के लिए, और लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर फ्यूचर वंसेस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।